नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, मूंग की नई किस्म MH 421। साथियों, मूंग की यह किस्म चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई हैं। मूंग की MH 421 वैरायटी खरीफ और जायद अर्थात गर्मी में बुआई के लिए उपयुक्त मानी गई हैं। मेरे प्यारे किसान साथियों, मूंग की MH 421 वैरायटी मात्र 60 से 65 दिन में अर्थात बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं। मूंग की MH 421 वैरायटी की फलियां एक साथ पकती हैं और फलियां पकने पर चटकती नहीं हैं। इसके अलावा साथियों, अगर हम मूंग की इस वैरायटी की प्लांट हाइट की बात करें तो इसके पौधे मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं। दाने चमकदार हरे रंग के, सुडोल मोटे आकर्षक होते हैं। साथियों, मूंग की MH 421 वैरायटी में पीला मोजेक वायरस, झुलसा, पत्ती धब्बा रोग के प्रति अवरोधी गुण प्रकट करती हैं। अर्थात साथियों, इस वैरायटी में इन रोगों का प्रकोप बहुत ही कम देखने में मिलता है। वहीं साथियों, अगर हम MH 421 वैरायटी की पैदावार क्षमता की बात करें तो साथियों, अगर हम सही ढंग से वैज्ञानिक खेती करें तो लगभग 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार लेने की क्षमता रखती हैं MH 421। इसके अलावा साथियों, अंत में मैं आपको अधिक पैदावार लेने के लिए साथियों 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले साथियों, हमेशा उन्नत किस्मों का ही सिलेक्शन करें। दूसरा साथियों, बीजोपचार अवश्य करें। तीसरा साथियों, सबसे मुख्य बात कि खाद और उर्वरक का संतुलित मात्रा में प्रबंधन करें। इसके लिए साथियों, आप वर्मी कंपोस्ट, जिसे हम केचुआ खाद के नाम से जानते हैं, तो साथियों 2 से 3 क्विंटल प्रति बीघा की दर से आप वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। इसके अलावा 11 से 15 किलो आप यूरिया, 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट बुआई के समय काम में लेवे। किसान साथियों, अगर आपने अब तक हमारे अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।